Hello my dear friends and my dear students. I hope you are all fine and doing well. Today I have come with you another video from adverb. In my previous video I have told you about verb, right? A verb is action word or a doing word. It was a simple video. I have told you where we use verb and when we use verb. But today I have bring another video from adverb. Adverb is something that used in a meaning of verb. जब एडवर्ब हो रहे जब हम वर्ब के मीनिंग निकालते हैं या फिर वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करते हैं तब हमारा एडवर्ब यूज होता है. सो आई विल टेल यू अबाउट एडवर्ब. सो लेट्स स्टार्ट. एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब? What is adverb? We will write the definition of adverb. मैं अभी आपको यहाँ पे adverb का definition बताऊंगी. What is adverb? Adverb के बारे में. Word which adds something. Word which add something to the meaning of verb. How and sorry, of verb. And tell us. Adverb होए जो verb के बारे में कुछ add करता है, उसको बताता है. And tell us how an action is done. How? When it is done? Where? यानी कहाँ? कैसे? कहाँ? And when it is done? कहाँ? कैसे? कहाँ? और किधर? How an action is done? How? कैसे? When and कहाँ? And when and कब? So adverb के जो main तीन हैं how, where and when is most important. अब how an action is done? कैसे action हुआ है? When it is done? कहाँ हुआ है? When it is done? कब हुआ है? And if you think it's useful for you, then you can write. Write it in copy or you can screenshot or you can write it together. Okay. Now, firstly, I will tell you about how an action is done. How? You can say how. For example, a soap works slowly. Okay. How? Now the example how. Works slowly. In the previous video, मैंने पहले वाले video में आपको बताया था doing word और action word, यानी कि verb. Asuk works. Asuk चल रहा है, okay? ये हमारा है verb. क्या है verb? Asuk हमारा noun है और verb हमारा verb क्या है verb? यानी कि मैंने पिछले वाले verb वीडियो में बताया था कि वर्ब के बारे में यानी कि एक्शन वर्ड एंड डूइंग वर्ड यानी कि अशोक क्या कर रहा है? चल रहा है. अशोक चल रहा है लेकिन कैसे चल रहा है? इट इज डन. हाउ एक्शन इज डन. एक्शन इज डन, एक्शन हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है? हाउ? अशोक
क्विकली भी चल सकता था, इवन स्लोली इससे भी धीरे चल सकता था, लेकिन मतलब धीमे चल रहा। सो हाउ इज आल्सो वर्किंग, इट इज वर्किंग स्लोली। सो आवर एडवर्ब इज स्लोली, दिस इज आवर वर्ब। अशुक चल रहा है, इसका एक्शन क्या है, चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, स्लोली। सो स्लोली इज आवर एडवर्ब। नाउ द थर्ड, सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज चमक रहा है, ओके, सूरज चमक रहा है, सूरज सनलाइट देख रहे हैं, लेकिन ब्राइटली, कभी सूरज धीमी मतलब वो भी अपना सनलाइट कम भी दे सकता है, कभी बहुत ज्यादा भी दे सकता है, कभी ठीक ठाक दे सकता है, लेकिन सन शाइन्स ब्राइटली। The sun shines brightly. How is sun shining? Sun kaise shining kar raha hai? Brightly is shining. Brightly ekdam clear. Sun hamara kya hua? Noun. Sun kya hai? Noun. और साइन क्या है, इसका डूइंग वर्ड क्या है, शाइन, यानी कि काम करना। डूइंग वर्ड एक्शन वर्ड क्या हमारा, शाइन, तो हमारे लिए क्या है, वर्ब। बट शाइन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इट इज शाइनिंग ब्राइटली। ही नंबर 2, ही रन्स क्विकली। He is running, वो run कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है, quickly। How he is running? Quickly। So मैंने तो आपको ये example बताया है, मैंने बताया था how, how action is done, action हो रहा है, action हमारा क्या है, walk, shine, run, runs। लेकिन वो कैसे रहा है, how, how, यानी कि एक slowly हो रहा है, second is brightly and third is quickly। This is our how and action is Done. Now, मैंने आपको बताया है हाउ के बारे में, हाउ एन एक्शन इज डन, राइट। मैं अब आपको दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगी वेयर एंड व्हेन द एक्शन इज डन। फॉर टुडे मैंने आपको हाउ यानी कि हमारा एक्शन कैसे, हाउ एक्शन इज डन कैसे होता है वैसे बताया, उसके बारे में बताया है स्लोली ब्राइटली क्विकली। नाउ फॉर द पार्ट टू आपको मैं वेयर एंड व्हेन के बारे में बताऊंगी। And if you like our video, then like our video, comment down below and subscribe to our channel. Thank you.